कहा जाता है कि भाई बहन का रिश्ता इस धरती पे सबसे पवित्र रिश्ता होता है और सबसे अच्छा रिश्ता माना जाता है लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएँ सामने निकल कर आती हैं कि जो इस रिश्ते पर दाग लगा देती हैं कुछ भाई ऐसे भी हो सकते हैं ये हमने आज तक सोचा भी नहीं था जो कि भाई होने के नाम पर कलंक हैं यूं तो भाई बहन का रिश्ता बहुत ही प्यारा होता है एक बहन के लिए भाई ही सबसे ख़ास होता है और एक भाई के लिए उसी बहन से बढ़कर कोई भी नहीं होता है लेकिन जब बात कुछ ऐसे भाइयों की आती है जो अपनी बहन के लिए ही दुश्मन हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बात निकल के आती है कि सारे भाई एक जैसे नहीं होते सारे भाइयों को हम एक तराजू पर रख कर नहीं तोल सकते कुछ भाई तो अपनी बहन की रक्षा ज़िंदगी भर करते हैं लेकिन कुछ भाई अपनी ही बहन के दुश्मन हो जाते हैं तो चलिए बात करते हैं एक ऐसे ही भाई की जिसने अपनी ही बहन के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच दिया है तो चलिए जानते हैं एक ऐसे ही हैवान भाई के बारे में जिसने अपनी ही बहन को नहीं बख्शा तो देखते हैं ऐसे भाई की कहानी जिसने अपने बहन के साथ इतना बड़ा अन्याय किया तो देखें क्या किया उसने अपनी बहन के साथ बात फ़िरोज़ाबाद के एक शहर की है जहाँ पर एक भाई ने हथौड़ा मारकर अपनी बहन की हत्या कर दी है और ये हत्या इतनी दर्दनाक है कि उसने हथौड़े से अपनी बहन के सिर और चेहरे पर कई वार किए हैं और उसने अपनी बहन के हथौड़ा मार कर जान ले ली है तो देखते हैं कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया तो खबर कुछ ऐसी है कि जनपद के कस्बा खैरगढ़ में परिजनों से बहन को मामा के यहाँ से मोबाइल फ़ोन चोरी करके लाने की शिकायत महंगी पड़ी यानी कि जो भाई था वो अपने मामा के यहाँ से मोबाइल चोरी करके लाया था और उसकी बहन ने उसकी शिकायत कर दी थी और ये शिकायत भाई को पसंद नहीं आई तो भाई ने सोते समय बहन की हथौड़ा से वार कर हत्या कर दी सूचना पर पहुँची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा हत्या आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है कस्बा खैरगढ़ निवासी मुन्ना लाल का छोटा पुत्र दुर्वेश बुधवार को जनपद इटावा के क्षेत्र के थाना जसवंत नगर क्षेत्र के गांव डारबाग स्थित नरिहाल से लौट कर आया था वह वहां से अपने मामा सुरेश का मोबाइल फोन चोरी करके लाया था इसकी जानकारी जब उसकी 16 वर्षीय बहन शिवानी सुमित्रा को हुई तो उसने इसका विरोध किया जिसको लेकर दोनों भाई बहन में कहा सुनी हो गई सुमित्रा ने चोरी की शिकायत पिता मुन्ना लाल से करने की धमकी दी इसके बाद मामला शांत हो गया मुन्ना लाल ने बताया कि सुमित्रा बृहस्पति की बृहस्पतिवार की रात्रि चारपाई पर सो गई तभी रात्रि में मौका पाकर दुर्वेश ने उसके सिर व चेहरे पर जान से मारने के नियत से हथौड़ा हाँ से कई बार किए चीख पुकार मचने पर परिजन जाग गए और उन्होंने दुर्वेश को पकड़कर उसके हाथ से हथौड़ा हाँ छीना तथा शिवानी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खैरगढ़ ली गए जहाँ चिकित्सक ने हालत नाजुक होने पर उसे जिला अस्पताल में रेफर कर दिया सिवा, परिजन शिवानी को जिला अस्पताल लेकर पहुँचे जहाँ चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया और शव को विच्छेदन गृह में रखवा दिया गया है तो देखा आपने इस धरती पर ऐसे भी भाई हैं जो इस पवित्र रिश्ते को भी कलंकित करते हैं और इसमें आप ही बताइए कि गलत कौन था क्या उसने शिकायत करके गलत किया या उसका भाई जो मोबाइल चोरी करके लाया था वो गलत था तो आप सब समझ ही रहे होंगे कि गलती किसकी थी भाई ने गलती की उसने मोबाइल फ़ोन चोरी किया उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था उसकी 16 वर्षीय बहन ने जब उसका विरोध किया तो उसने उसकी हत्या कर दी यहाँ पर मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है और इतनी छोटी सी बात पर एक भाई ने अपनी बहन की जान ले ली और कहा जाता है कि राखी का त्यौहार इसलिए मनाया जाता है कि राखी बांधने के बाद भाई पूरी ज़िंदगी अपनी बहन की रक्षा करेगा लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो गया तो सावधान रहिए ऐसे लोगों से और रिश्तों पर ना जाइए कोई भी रिश्ता तब तक अच्छा नहीं होता है जब तक वो इंसान अच्छा ना हो अगर वो इंसान अच्छा है तो आपका रिश्ता कोई भी हो तो अच्छा माना जाता है जो तो रिश्तों की बुनियाद पर किसी को भी एक ही तराजू पर तोलने की कोशिश ना करें तो ऐसी ही खबरें से आप लगातार जुड़े रहें और दर्शन न्यूज को सब्सक्राइब करें लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग ऐसे सिरफरे लोगों से बच के रहें